ये प्यार नहीं है, प्यार को क्या बोले, हवा से बोले, और हवा से नहीं है, ऐसे लोगों का जंक्शन बना दिया है भैया। हाँ, जंक्शन उसे कहते हैं जहाँ से हर रूट की गाड़ियाँ गुजरती है। हाँ, कभी आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ गुजर जाती है। हाँ, इन लोगों से अच्छा वैसे आए भैया, वैसे आए तो सुबह सूरज डूबने के बाद जाती है और सूरज उगने से पहले घर लौट के वापस आ जाती है, बाल बच्चे उसके भी है, लेकिन ये जब घर से निकलते हैं ये लौटने का नाम नहीं, ये तो एशिया से भी खलनायक है भैया। तन पा के ये लोग मतलब कलंक लगा दिए, ये सब तो भैया पशु पक्षियों का काम है। कभी आपने गाय को सुना है कि कभी भैंसे से संबंध बनाया है, सांड को सुने कभी बकरा से संबंध बनाया है, ये तो मतलब पशु से भी जीवन मतलब वो कर दिया भैया, ऐसे तो पशु भी नहीं करते। कभी कुतिया को सुने कि बकरा से संबंध बनाया है, इससे अच्छा तो पशु भी अच्छा मतलब जीवन जी रहे हैं। ठीक है यार, मतलब मानव तन मतलब मानव तन मिला है सिर्फ भोग विलास करने के लिए मिला है, कुछ और धर्म करने कर्म करने के लिए भी मिला है क्या? हमेशा मतलब कभी शादी कर ले, कन्फर्म है आप? अब ये तो नहीं, मतलब मैं मांग में सिंदूर थोड़े देखने गया हूँ, लेकिन शादी करने के लिए कह रहे थे। अब शादी कर लिया आपका, वैसे मांग थोड़ी होगा हिंदू धर्म होकर, शादी की होगी तभी तो चैन से रहे, कभी फोन नहीं किया, कभी बात नहीं किया, कभी हालचाल नहीं पूछा, कभी दर्द नहीं पूछा, कभी शादी नहीं किया तो कभी अगर शादी न किया तो लौट को वापस नहीं आती हो। अच्छा, इसकी नानी तो होगी, उसकी मम्मी तो होगी, आप गए थे अपना ससुराल? अरे ससुराल से तो भागी है, मतलब हरियाणा से भागी है। हाँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, हरियाणा में रहते थे। हरियाणा की लड़की है? नहीं, लड़की तो बिहार की है। हाँ। उसकी माँ, हमारी जो सास ससुर हरियाणा में रहते है, कमाते खाते वही है मतलब। हाँ। तो ये मतलब 2 महीने पर मिलने जुलने आती जाती थी। ठीक है, तो इसके बाद वो तो चली गई, ठीक है, भाग गई। इसके नाना, इसके नानी भी हमें टाना मारने लगी कि तूने मेरे साथ जैसा छीना हुआ तेरा छीना गया। बोले चल ठीक है, बोली कि 30 बिना मैरिज किए। हाँ, भाग के, यानी कि आप लव मैरिज किए थे जी। और इसके बाद इसके नानी बोली कि मैं 30 मई का आऊंगा तो बच्चे मैं संभालूंगा, दे देना मैं संभाल। और 30 मई को नहीं आई, बल्कि 5 जून को आया, 5 दिन रही। अब छोटी वाली बेटिया नेहा को शादी सेट कर दिया और करके बस मतलब फिर दिल्ली 5 दिन के लिए। क्या वो बाल बच्चा आपको? बस एक ही हरी का दास, एक यही है। इसकी माँ भाग गई? क्यों भागी, क्या दिक्कत हुआ आपसे जो भाग? दिक्कत जो भी कुछ हमारे साथ था, ठीक, लेकिन बच्चे के मतलब बच्चे ने क्या दिक्कत किया था भैया ये पहले बता। आज यही एक बच्चा नहीं, कई बच्चे को छोड़कर कई नरिया छोड़ के भाग जा रहे, दूसरी शादी कर ले रही है। कारण क्या? कारण पता नहीं, हवस की भूख मतलब भूत चढ़ी है, हवस की भूत है तभी तो, या तो आर्थिक स्थिति। आप पूर्ति नहीं करते थे? पूर्ति नहीं? अरे पूर्ति क्या यार, मतलब मानव तन मतलब मानव तन मिला है सिर्फ भोग विलास करने के लिए मिला है, कुछ और धर्म करने कर्म करने के लिए भी मिला है क्या? रहे जा रहे हैं, हमेशा प्यार मोहब्बत होता ही रहता, मतलब प्यार मोहब्बत हम उस ससुरी से करेंगे तब जाके वो बच्चे से प्यार करेगी, अगर हम नहीं कर तो बच्चे से प्यार नहीं करेगी। बिना प्यार का तो बच्चा नहीं हुआ होगा, तो बिना प्यार का तो बच्चा नहीं हुआ। लेकिन फिर बाद में बच्चों क्यों भूल गई हो? और यही नहीं भूली, कई नारी कई लड़कियां सब भूल जाती है, क्यों ऐसा करे? मैं भी तो वही तो आपसे पूछ रहा हूँ यार, क्यों ऐसा कर? एफआईआर किए? आपकी बीवी भागी तो एफआईआर करना चाहिए आपको। जी एफआईआर किए थे हम, लोकेशन उसने ढूंढ के बताया था कि आपके मैडम मैनेसर मतलब हरियाणा मैनेसर में है। मैं बोला था कि आप लोकेशन है तो ढूंढ के आप अपने पास थाना में आइए, मैं आ रहा हूँ। कहेगा नहीं, मैं दूसरे का लोकेशन क्यों शेयर करूँ, मैं क्यों ढूंढ के लाता हूँ, ये सब मैं नहीं लाऊंगा। मैं अपने सास को बोला कि आप एफआईआर करो, तो सास बोलती नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मैं अगर पैसा होता भी अगर एफआईआर करता हूँ। कैसे उस लड़का के चक्कर में कैसे करूँ? लड़का मत देखिए, वो हमारी मैडम सही थी, ठीक है, सब ठीक ठाक थी, मैंने भाग के शादी किया, मान ली ठीक है, मुजरी मैं भी हूँ वो भी है, ठीक है ना, तो मैं पूरा दोष नहीं दूंगा, लेकिन जब से वो माँ की कुछ संगत में गई ना वो पूरा बिगड़ गई। हम पूछ रहे उन लड़का के संगत में कैसे? वो लड़का के संगत में जैसे पानी भरने जाती थी ना नलका पे, तो लड़का का मतलब रूम वही था। हाँ, उसकी माँ सब देखी थी, माँ भी राजी थी उस लड़का से शादी कराने के लिए। हाँ, लेकिन बाद में करे मैं लड़का से राजी नहीं था, ऐसा नहीं वैसा नहीं, फलान चलान करने लगे भाग के। अगर वो राजी नहीं होती शादी करने के लिए, जब मैं सबूत कर दिया, जब मैं विदाई मांगा, तो उसको विदाई करना चाहिए ना। लड़की भी बोले कि बेटिया मेरी कसम कि आप कमाने के चक्कर में थे, वो पानी भरते भरते किसी और से पट। अरे भैया 10 दिन के मिलने गई थी भैया। कहाँ गई थी वो? अपनी माँ से। हाँ, वो मिलने की मायके गई थी, अपने घर गई थी, उसके बाद वही पानी भरने जाती थी। अरे जैसे नलका जैसे टाइम से आता टाइम से जाता था, और वो लड़का बगले में रूम था, उसके माँ माँ और छोटी बेटी साली जो है सब कहानी जानती है, लेकिन हम लोगों से कभी नहीं। पानी भरने से कैसे पट जाता है? अरे वो पता नहीं नंबर पे नंबर लिख के भेज रहा था, ऐसे कर रहा, जब मैं पकड़ लिया तो बोलती है कि लड़का का माँ बाप नहीं है, मर गया है। अरे ससुर हमारी माँ मर गई, तुझे याद नहीं है, तेरा एक बेटा है वो तुझे याद नहीं है। और लड़का की माँ जो है ना खुद बोलती है मुझे वही बहू चाहिए, और लड़के की माँ से बात करती थी, बहन से बात करती, भाई से बात करती थी, उसको जानबूझकर उसको अपहरण किया गया, और इसकी माँ ने मेरे साथ गद्दारी किया है,
जब मैं फोन करता तो फोन नहीं उठाती। गद्दारी तो वो सबसे पहले अपनी माँ से की, हाँ। तो आपसे ब्याह किया, हाँ। फिर आपसे गद्दारी की, हाँ। फिर उससे शादी की, शादी किया। हो सकता है उसको भी गद्दारी करेगी, वो करेगी, अन्ना भी करेगी, वो सोची मैं इसी के साथ सारा जीवन गुजार दूंगा। क्या चाहते हम भैया, क्या बताए भैया, मैं तो सोचता हूँ कि मैं हर नारियों से यही निवेश कर, मतलब ये गलत बात है। आप हमेशा हर नारी बोले आपकी पत्नी गलत है, ऐसा थोड़ी है, समाज का सबका पत्नी गलत नहीं है। हर नारियों का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ। जो बच्चे छोड़ के जाने वाली जो कोशिश करते होगे ना, हाँ। वो बच्चे छोड़ के ना जाए भैया, अब पति चाहे जैसा हो मायके में चले जाओ। देखिए ये बात तो सही इनका बात है, ये देखिए छोटा सा बच्चा है, इसका कितना उम्र होगा, मतलब 2 साल हो गए, 2 साल का दुधमुहा बच्चा है। अगर सही में अगर वो लड़की सही होती, अगर उसको जाना होता जिससे वो प्रेम करती थी, अगर वह बंदा भी सही होता तो कहता कम से कम तुम अपने बच्चे को लेकर आओ। अगर यह चलता फिरता, अगर यह गोदी का बच्चा नहीं रहता, अगर इसको छोड़ के जाता तो हम समझ सकते हैं एक माँ चली गई, शायद उसकी ममता मर गई है। हाँ भैया, ये अच्छा आप ही बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा डॉक्टर है माई का लाल जो बच्चे की आंखों में लेस डाल दे ताकि दूसरे औरत में अपनी माँ की छवि देख सके, ऐसा कोई व्यवस्था है? अगर नहीं है, अगर मैं दूसरी शादी भी करता हूँ क्या क्या मतलब लाड प्यार इसको मिल जाएगा? आप ही बताइए, बच्चे का भूख आंखों में नहीं, बल्कि बच्चे का भूख बच्चा खोजता है माँ को, हमेशा खोजता है भैया। अगर माँ को नहीं खोजता तो बच्चे की सेहत ऐसा नहीं रहता, क्यों? क्योंकि बच्चे का भूख जो होता है पेट में नहीं बल्कि आंखों में होता है। तब आप FIR कीजिएगा कि वो शादी कर ली है भैया। भैया FIR तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो अगर वो फिर वो लड़का आएगा नहीं। क्या नाम है लड़की? लड़की का नाम इंदु कुमारी है। इंदु, आपका नाम? सोनू कुमार। सोनू और इंदु।